Hello everyone, welcome to the channel. Now this video is going to be very special because since the day Nibosh introduced the new course, which is Nibosh IG, many people have been stuck, have got confused about the differences between Nibosh IGC and Nibosh IG. तो जब निबोश ने इंट्रोड्यूस किया था निबोश आईजी को, तब से लेकर आज तक चैनल पे या पर्सनली जो लोग मिलते हैं, मैंने बहुत सारे लोगों को ऑब्जर्व किया है कन्फ्यूज होते हुए. अब तक क्लियर नहीं हो पाया है कि आईजीसी क्या है और आईजी क्या है. सो आज ये वीडियो स्पेसिफिकली उसी बारे में है कि पहले जो निबोश आईजीसी करके कोर्स था, अभी वो निबोश आईजी हो गया है. तो क्या वो दोनों सेम कोर्सेज हैं, क्या डिफरेंसेज हैं, क्या सिमिलैरिटीज हैं. सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट निबोश आईजी और निबोश आईजीसी. So without wasting time, let's begin with our video session. So जैसा कि आपको पता होगा, before 2019, निबोश का जो कोर्स था, that was known as निबोश IGC. After 2019, निबोश introduced निबोश IG. निबोश ने क्या किया, निबोश IG करके इंट्रोड्यूस किया. So 2019 के बाद जितना भी नया रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर कोई भी कैंडिडेट नया रजिस्ट्रेशन करना चाहता है अभी 2021, 2022, 2023 इन ईयर्स में, तो वो अब निबोश आईजीसी नहीं कर सकता है. उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा, निबोश आईजी में होगा. जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन 2019 या 2019 से पहले हुआ था, उन लोगों का रजिस्ट्रेशन निबोश आईजीसी में हुआ था. और अगर कोई पेपर उनका बैक रह गया, रेफर रह गया, तो निबोश ने उनको 2022 तक का टाइम दिया है कि तब तक आप अपना पेपर जो है क्लियर कर लें, चाहे वो GC2 का हो, GC3 का हो या निबोश IGC1 का हो. अगर 2022 तक वो अपने पेपर्स को क्लियर नहीं करते हैं तो उनका पुराना रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, उनको नए रजिस्ट्रेशन निबोश IG के दो पेपर्स देने होंगे. ये उन लोगों के लिए जो 2019 से पहले रजिस्टर्ड हुए हैं, 18 में, 17 में और 19 शुरू में. तो 2019 में निबोश ने क्या किया, निबोश IGC को डिसकंटिन्यू कर दिया और उसको रिप्लेस करके नया कोर्स किया, दैट इज नोन एज निबोश IG. सो पहला कन्फ्यूजन आप क्लियर कीजिए, यू नीड टू क्लियर फर्स्ट कन्फ्यूजन. नाउ देर इज नो IGC, अभी कोई निबोश IGC नहीं है. अभी अगर आपको निबोश IGC करना है तो उसके बदले में आपको निबोश IG करना होगा, जो कि सेम कोर्स है, देर इज नो डिफरेंस. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इन लिटिल डिटेल. अब हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब निबोश IGC हुआ करता था 2019 से पहले, तो तीन पेपर्स होते थे, देयर वर थ्री पेपर्स. पहला पेपर था निबोश IGC 1, दिस पेपर वॉज ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट का पेपर था. तो निबोश IGC 1 का पेपर जो था वो अभी भी है, इसको IG 1 कर दिया गया है. नाउ दिस पेपर इज नोन एज निबोश IG 1, देयर इज नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं है. पहले जो IGC 1 का पेपर था वो बन गया है निबोश IG 1. सो अर्लियर द पेपर वॉज ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 100 मार्क्स का होता था. आउट ऑफ 100 यू नीडेड टू ब्रिंग और ग्रैब 45 मार्क्स टू पास. पास होने के लिए आपको 45 मार्क्स ले आने होते थे IG 1 में. अभी सेम है, अभी भी 100 मार्क्स का पेपर है IG 1 जो है, जिसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम कितने मार्क्स चाहिए, 45 मार्क्स. सो दैट वॉज निबोश IGC 1. नेक्स्ट, उसके बाद जो पहला जो सिलेबस था उसमें होता था GC 2 करके पेपर होता था, वर्क प्लेस हैजर्ड्स के बारे में. तो ये पेपर जो था इसका भी सेम क्राइटेरिया था, इसमें आपको पास होने के लिए 45 मार्क्स ले आने होते थे. और पेपर जो था दैट वॉज ऑफ 100 मार्क्स, पेपर 100 मार्क्स का था, पास होने के लिए आपको 45 मार्क्स ले आना होता था. अभी नए सिलेबस में GC 2 को निबोश ने क्या किया है, हटा दिया है. कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कैसे वो हम आगे एक्सप्लेन करते हैं. पहले जो सिलेबस था, पहले सिलेबस में एक GC 3 करके प्रैक्टिकल पेपर हुआ करता था, वर्कप्लेस रिपोर्ट, प्रैक्टिकल असेसमेंट जो बनाकर सबमिट करना होता था. तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें से कैंडिडेट को 60 मार्क्स पास मार्क्स होता था. द कैंडिडेट नीडेड टू ब्रिंग 60 मार्क्स टू क्वालिफाई GC 3. निबोश ने GC 3 को रीनेम करके IG 2 कर दिया है. थोड़ा चेंजेस यहां पर हुआ है, पहले GC 3 में मार्क्स मिलता था, अभी जो नया कोर्स है निबोश IG, इसमें IG 2 के लिए मार्क्स नहीं मिलता है. यू इधर पास और यू फेल, आप या तो पास होते हैं या फिर क्या होते हैं, आप फेल होते हैं. सो यू विल पास और यू विल फेल, मार्क्स नहीं अवॉर्ड होंगे आपको. देर आर क्राइटेरियाज, बहुत सारा क्राइटेरियाज हैं जो रिपोर्ट बनाते वक्त आपको ध्यान में रखना होता है. अगर कोई भी क्राइटेरिया मिस करता है यू विल बी फेल, तो आप क्या होंगे, फेल होंगे. नाउ द न्यू कोर्स, अब न्यू कोर्स के बारे में बात कर ले. निबोश IG, दो पेपर्स हैं, देर आर टू पेपर्स, दो पेपर्स हैं. पहला पेपर मैनेजमेंट का IG 1, जो 100 मार्क्स का पेपर है, पास होने के लिए आपको 45 मार्क्स ले आना होता है. दूसरा पेपर IG 2, जो कि वर्क प्लेस असेसमेंट है, जिसको रिस्क प्रोफाइलिंग या रिस्क असेसमेंट के नाम से जाते हैं. ये रिपोर्ट आपको बनाना है और इस रिपोर्ट को बनाएंगे आप, तो अगर आपकी रिपोर्ट निबोश के पैरामीटर को मैच करता है तो आप पास होंगे, नहीं तो फिर आप रेफर हो जाइएगा. रेफर का मतलब होता है फेल हो जाइएगा, फिर आपको रीअपीयर देना होगा. आपकी वैलिडिटी जो है रजिस्ट्रेशन की, वो 5 साल के लिए होती है. 5 साल में आप जितनी बार चाहें उतनी बार बैठकर रीअपीयर
दे सकते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं कि हाउ टू मेक एन इफेक्टिव रिस्क असेसमेंट, IG2 का रिस्क असेसमेंट कैसे बनाते हैं, प्लीज उसको वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकॉन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।